आप भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट देख देख के तंग आ चुके हैं? वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सुपर्णा। इन प्रोडक्ट्स के एड्स ने ना ही हमें कंफ्यूज किया बल्कि मिसलीड भी। अब कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमारे किचन में ही तो हमारी सुंदरता का खजाना छुपा हुआ है। फेस को वॉश करने के लिए जो फेस वॉश हम यूज करते हैं, ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ फेस को क्लीन करने के लिए हम यूज करते हैं बल्कि हमारी स्किन को हील एंड प्रोटेक्ट करने के लिए भी। सो अगर हम केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स का फेस वॉश यूज करते हैं, ऑब्वियसली दैट्स गोइंग टू डैमेज योर स्किन। सो आज हम किचन में पाए गए इंग्रेडिएंट्स लाइक राइस, ओट्स, टर्मरिक, ये सब चीजें लेके क्यों ना बनाएं। तो सो आज का मेरा मिशन है राइस फेस वॉश। तो चले मिलकर हम इसको एक्सप्लोर करें कि कैसे बना। आज हम राइस फेस वॉश जो है एक प्रोफेशनल फेस वॉश की तरह ही बनाएंगे जिसका शेल्फ लाइफ 2 to 3 months का होगा। तो चले बनाना शुरू करें। वॉश करने के लिए हम 2-3 बार इसको पानी से निकालेंगे क्योंकि इंप्यूरिटीज या डस्ट जो चावल में होगा वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। अब हम इसको नॉर्मल वाटर में थोड़ी देर भिगो के रखते हैं सो दैट ये थोड़े से स्वेलप हो जाए और उसके बाद इसको कुक करते हैं। सो हमने तब तक इसको पकाना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए, जितने भी राइस ग्रेन्स हैं। अब इसको कूल करके हम इसको ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड के बाद इसको फिल्टर करेंगे। ये हमारे इंग्रेडिएंट लिस्ट है और वो चीज़ें जो कि हमें इस प्रोसेस के लिए चाहिए। सो एक नज़र मारते हैं। ये विटामिन ई ऑयल है, ये ग्लिसरीन है, ये कोकोमिडो प्रोपिल बीटेन माई फेवरेट जो कि एज अ सर्फेक्टेंट है। सर्फेक्टेंट मीन्स एज अ क्लेंजर। ये नॉन आयोनिक क्लेंजर है एंड बेबी शैम्पूज में यूज़ किया जाता है बेसिकली। एंड ये जैंथन गम है जो कि हमारे फेस वॉश को थोड़ा सा रनी एंड थिकनेस ही दे देगा। एंड ये डिस्टिल्ड वाटर है बिकॉज इसको पतला करने के लिए हम डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ करेंगे। और उसके बाद हमारा ऑप्टिफिन प्रिजर्वेटिव जो कि बहुत ही कम यूज़ करना है। एंड मैंने चीज़ क्लॉथ लिया है, फनल है सो दैट हम इसको प्रॉपरली फिल्टर करें सो दैट कोई ग्रेन्स ना रहें जब भी हम फेस वॉश बनें, सो दैट हमारा फेस उससे ख़राब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए स्किन। राइस को थोड़ा सा कूल करने के लिए रखा है और थोड़ा सा वाटर उसमें है सो दैट वो ब्लेंड करने में हेल्प करें। हैंड्स में ग्लव्स ज़रूर वेयर करें। हम इसमें ले करेंगे जैंथन गम। सो इसमें डालते हैं ग्लिसरीन 20 grams एंड इसको करते हैं स्टर मिक्स सो दैट इसमें कोई लम्ब्स ना रहे। सो मैंने लिया 100 grams डिस्टिल्ड वाटर। सो डिस्टिल्ड वाटर में अब मेरा जो राइस स्टार्च ग्राइंड किया हुआ है वो मिला। तो मैंने राइस जो लिया है वो लिया है 50 grams 100 grams डिस्टिल्ड वाटर, 50 grams राइस। अब इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है और अब हम इसमें मिलाएंगे अपना जैंथन गम सॉल्यूशन। मैं थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी बिकॉज ये काफ़ी थिकन कर देता है सॉल्यूशन को। सो हम देखते हैं, एक ही स्पून से ये थिकन हो गया। तो दूसरे तरीके से मैंने थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर लिया और उसमें ये मिलाया और ये देखते हैं इसका पीएच लेवल क्या आता है। बिकॉज भाई हम लोगों ने खुद अपने स्किन पे लगाना है तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते कोई भी कि फेस स्किन को हम वीडियो के चक्कर में हम डैमेज करें स्किन को अपनी। सो दिस इज़ गुड टू गो। इसको बोतल करते हैं। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। सो सेम वे हम लोगों ने भी कभी केयर नहीं करी स्किन की। ये तो इतनी नॉलेज अब सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, एवरीवेयर वी गेट दिस इंफॉर्मेशन टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन, हेयर, नेल्स। सो हमें भी थोड़ी सी अकल आ गई और हमने केयर करना शुरू कर लिया। सो गाइज आई रिक्वेस्ट यू ज़रूर अपनी स्किन और अपनी हेल्थ का केयर करिए और नई नई
आइडियाज ट्राई करिए। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। आप जरूर इसको ट्राई करिए, जरूर इसको बनाइए, नहीं केयर करिए, अपनी स्किन का ख्याल रखिए, हैजर्डस चीज़ों से और केमिकल्स से बचिए। सो घर में प्रोडक्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स की तरह बनाइए, उसमें इनोवेशंस करिए, एक्सपेरिमेंट्स करिए और आप देख लीजिए, यू विल एंजॉय इट बाय मेकिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ्स। सो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, लव यू फ्रेंड्स।